सो चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, उससे बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। गाइस वेलकम टू देसी निंजा। सो कल मैं जा रहा हूँ मेरे आरटीआर 164 बी को थोड़ा रैप करने, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है 204 बी, उसका रैप मुझे बहुत ही एक्चुअली पसंद आया, जो रेड एंड ब्लू में से डिजाइन आया। सो ट्राई करेंगे उसी के जैसा ही कुछ रैप किया जाए। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड गाइस प्लीज सपोर्ट करो, बहुत जरूरत है तुम लोग की सपोर्ट की। सो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ एंड स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। सो निकल चुका हूँ मैं रैप करने एंड मेरा दोस्त वेट कर रहा है, सो उसको पिक करूंगा एंड फिर जाऊंगा दुकान में एंड देखते हैं फाइनली रैप कैसा बनता है। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो गाइस। अभी मैं इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे ओवरब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ एंड एक्चुअली मैं ये ब्रिज बहुत ही मैसिव है, मैं एक ड्रोन शॉट भी डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना कितना ब्यूटीफुल लगता है ऊपर से। ये रास्ता नहीं है, ये बेडरूम भी बन चुका है जैसे कि देख सकते हो, ये लेटा है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज लाइक दिस, इस ग्राफिक्स के जैसा थोड़ा बहुत करेंगे। এই যে গ্রাফিক্সগুলো দিয়েছেন নতুন আটকে 200 ওইরকম করে দিচ্ছে, পুরো বডিটা যেমন এই বডিটা এখানকার এটাকে পিছনটা যেমন অরিজিনাল করাবে না আমি রেডিয়াম দিয়ে বানিয়ে দেবো। অরিজিনাল করতে কি বা রেডিয়াম করতে অরিজিনাল করতে তোমার দাদা মোটামুটি ওই 800 টাকা মতো পড়বে। অরিজিনালটা কি তোমার কাছে আছে? না ওটা অর্ডার করে আনতে হবে। আচ্ছা আর রেডিয়াম করলে? রেডিয়াম করলে তোমার 700 টাকা মতো পড়বে। কি বলছো? অরিজিনালটা বেটার হবে, কালারটা তোমার যদি কার্বন ফাইবার র‍্যাপ করে ব্ল্যাক করে দেওয়া যাবে, এই গোটা 5% এটা করা যাবে তো? তারপরে অ্যাপাচি স্টিকারটা পাওয়া যাবে, এটা করতে কত লাগবে? तो जैसे कि देख सकते हो गाइस इधर भैया मार्किंग ले रहा है कलर पेंसिल से एंड मैं आरटीआर 204 भी जैसा टोटली करना नहीं चाहता था, उसका डिज़ाइन कॉपी नहीं करना चाहता था, थोड़ा डिफरेंट करना चाहता था। सो इसीलिए भैया इधर मार्किंग लेके बना देंगे एंड कटआउट्स कर देते, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मार्किंग लेके करेंगे। सो देखते कैसा होता है अल्टीमेटली। सो अभी एक टेप लेके मार्क के डिज़ाइन के ऊपर बिठा दिया ताकि मार्क का डिज़ाइन टेप पे आ जाए, सो ये मुझे बहुत यूनिक लगा। सो अभी देखते क्या करते भैया। सो अभी टेप पे जो मार्किंग लिया था वो उठा के इधर वो रैपिंग पेपर के ऊपर बिठा दिया है ना, अभी स्केल से मार्क करके प्रॉपर कटआउट करा है एंड देखते कैसा बनता है कटआउट्स। सो आई होप अच्छा ही होगा। सो मैं सोच रहा था कि नियॉन कराऊँ कि रेड कराऊँ, बट आई गेस रेड ही ज़्यादा सूट कर रहा है ब्लू के साथ। तुम लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना अगर नियॉन अच्छा लगता तो। सो गाइज अभी लगाने की बारी है एंड गाइज लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखना कि कोई धूल मिट्टी ना रहे, नहीं तो ये रैप उड़ जा सकता है। सो भैया ने पूरा साफ कर दिया एंड अभी देख सकते हो गाइज लगाएगा एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना तुम लोग को कैसा लग रहा है ये रैप एंड देखते हैं अल्टीमेटली कैसा बनता है। तो गाइज ये रेड रैप तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बाइक के साथ मैच हुआ है एंड अपना ओपिनियन गाइज तुम लोग ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन पे, तुम लोग को कैसा लगा।
सो अभी भैया मार्किंग ले रहा है वाइजर के साइड्स पे एंड वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ, तो चलो देखते हैं एंड तक कैसा बनता है ये बाइक का रैप। अभी भैया फिर से कटआउट करें बाकी डिजाइन के एंड देखते कैसा बनते हैं अल्टीमेटली। गाइज वीडियो लाइक कर देना गाइज एंड कमेंट पे ज़रूर बताना तुम लोग को कैसा लगा, मुझे जानना है। सो कमेंट पे ज़रूर बताना गाइज। एंड ये फ्रंट वाइजर का साइड पैनल ऑलमोस्ट कंप्लीट गाइज एंड इट्स लुकिंग डैम गुड। अभी बैक पैनल्स करें एंड आई थिंक ये भी अच्छा लगेगा, देखते कैसा बनता है। वाओ गाइस टू गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, तुम लोग ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। तो बॉटम पैनल में भी थोड़ा डिजाइंस कर रहा हूँ बट ये उतना मैंडेटरी नहीं था, बट पूरा बॉडी पे करा है तो नीचे क्यों नहीं, तो चलो देखते कैसा बनता है अल्टीमेटली गाइस। एंड लास्टली फ्रंट मार्कर्स पे थोड़ा रेड स्ट्रिप्स कट करके लगाया जा रहा है एंड आई होप ये अच्छा लगेगा। तो फाइनल लुक देखते कैसा लग रहा है। तो गाइस ये देख सकते हो ये रैपिंग हो चुका है कंप्लीट एंड एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया एंड आई होप तुम लोग को भी पसंद आया होगा। सो पार्ट टू में मैं जो करने वाला हूँ वो ये वाइट वाला पोर्शन में कार्बन फाइबर करूँगा, ऊपर से एपाचे का वाइट स्टिकर लगाऊंगा एंड इधर भी एक कार्बन फाइबर रैप होगा इस साइलेंसर के ऊपर वाला कवर को एंड बाइक के रिम पे भी कुछ डिज़ाइंस वगैरह करवाऊँगा। सो अभी क्यों नहीं कर पाया क्योंकि बाइक पर बहुत मिट्टी लगा था एंड थोड़ा रिस्क था कि उठ जाएगा। सो वेट फॉर पार्ट टू एंड ये रैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। सो हे गाइस आई होप तुम लोग को ये रैपिंग का वीडियो पसंद आया एंड देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये बाइक। मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना तुम लोगों को कैसा लगा एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं इसका पार्ट टू बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। एंड टिल देन टेक केयर एंड सी यू गाइस।